So the numerical is that देखिए न्यूमेरिकल क्या है, अ क्लॉक मेजर्स प्रॉपर टाइम। आई विल एक्सप्लेन यू, पहले मैं इस प्रॉब्लम को लिख दूं। अ क्लॉक मेजर्स प्रॉपर टाइम एट व्हाट स्पीड, at what speed it moved so it lost 30 second in a day। अब देखिए प्रॉब्लम को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि इसके प्रॉब्लम का मीनिंग क्या है। कि एक क्लॉक है जो क्या करती है, प्रॉपर टाइम को मेजर कर रही है। अब आपके दिमाग में प्रॉपर टाइम क्लियर हो जाना चाहिए, प्रॉपर टाइम क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर टाइम। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि एट व्हाट स्पीड इट मूव्ड, किस स्पीड पर इसने मूव किया, सो इट लूज 30 seconds in a day, एक डे में इसका 30 सेकेंड जो है लूज हो गया। तो सबसे पहले एक दिमाग में आपके क्लिक हो गया इस प्रॉब्लम से कि एक तो आपको प्रॉपर टाइम की बात हो रही है, दूसरा आपको स्पीड की कैलकुलेशन करनी है, तीसरी आपके पास 30 सेकेंड लूज हो रहा है कितने, एक दिन में, ठीक है। तो आपके पास ये सारे फैक्टर्स हैं। तो अब मैं आपसे खुद क्वेश्चन करूंगा कि जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स कि डेल्टा टी डैश और डेल्टा टी, इन दोनों की वैल्यू मुझे चैट बॉक्स में फटाफट लिख के बता दीजिए। कौन से वी हमें निकालनी है, आप फटाफट इसकी वैल्यू इस चैट बॉक्स में टाइप करते जाइए। आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम ईच, मैं सबसे आंसर चाहूंगा, भले ही नहीं आता तो नॉट लिख दीजिए, नॉट नोन करके लिख दीजिए, नहीं जानते, बट यू शुड राइट इन द चैट बॉक्स फटाफट, जस्ट राइट द आंसर विद इन अ मिनट, विद इन अ मिनट लिखिए। करिए, टाइप करिए, फटाफट करिए, अभी कोई आंसर नहीं आया। कपिल कह रहे हैं डेल्टा टी इज 30 सेकेंड, ओके, और फटाफट बताइए। अच्छा डेल्टा टी डैश बता दो क्या है, मैं तो चलो ये बात हो गई, डेल्टा टी डैश 24 आवर्स, डेल्टा टी डैश इज 30 सेकेंड, आस्था मिश्रा, ओके नेक्स्ट बताइए फटाफट, दो आंसर आए हैं सिर्फ। जल्दी लिखिए, जल्दी करिए, मनीष कौर, ओके, आस्था मिश्रा, आई विल टॉक यू लेटर बेटा, वेट फॉर फ्यू मिनट्स, कपिल 24 आवर्स इन सेकेंड, ओके, आकाश, ओके, दैट्स गुड, दैट इज द आंसर, गुड, आकाश वर्मा, वेरी गुड, खुशी 24 आवर्स एंड 30 सेकेंड, ओके नेक्स्ट फटाफट लिखिए बेटा, ओनली 7 स्टूडेंट हैव आंसर्ड, 27 इज हियर, जल्दी आंसर करिए, डोंट वेस्ट द टाइम, फटाफट, मैं अटेंडेंस ही तब दूंगा जब सारे लोग आंसर कर देंगे, जिसके आंसर है मैं उनकी एब्सेंट मार्क कर दूंगा जो आंसर नहीं कर रहे। राहुल कुमार 30 सेकेंड्स, शिव कुमार 24 आवर्स, ओके, श्रुति 30 सेकेंड्स, ओके, मुस्कान, गुड, डेल्टा टी डैश, ठीक। अच्छा डेल्टा टी डैश ही बता दो, बाकी के लोग छोड़ो, डेल्टा टी बाद में बता देना, डेल्टा टी डैश ही बता दो क्या है, फटाफट आंसर करिए, ओनली 11 पीपल हैव आंसर्ड, बताइए जल्दी बताइए। आयुष शर्मा, ओके, यस राठौर 30 सेकेंड, डेल्टा टी, ओके, बताइए कुछ तो राइट करिए, यू शुड राइट समथिंग, प्रिंसी, ओके, देवांश, ओके,
ओके और लिखिए लिखिए फटाफट लिखिए इरफान ओके ऋषि 30 सेकेंड नक्षत्र 30 सेकेंड ओके शुभम Those who are left, just write it. जल्दी करिए Don't waste the time. जल्दी करिए कन्हैया ओके 60 मिनट्स कर दिया ना ठीक है दीवान ओके अभी भी 4 पीपल आर लेफ्ट लिखिए जस्ट राइट द आंसर अवनीश शुक्ला ओके फिर इतना टाइम थोड़ी लग रहा है बेटा आंसर करिए जल्दी 2 लोग अभी भी रह गए एब्सेंट हो जाएंगे ध्यान रखिए चंचल 24 चंचल इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा 24 आवर्स ओके एक आध अभी भी रह गया देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है समझिए यहां से देखिए इस क्वेश्चन में क्लियर आपको कह रहा है पहली लाइन में ही आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज गिविंग टू यू एक क्लॉक जो है क्या मेजर कर रही है प्रॉपर टाइम मेजर कर रही है प्रॉपर टाइम क्या था डेल्टा टी एस तो ये कितना हो गया एक दिन वन डे जब ये वन डे हो गया अब इसमें से लूज कितना हो रहा है लॉस कितना हो रहा है 30 सेकेंड तो 30 सेकेंड आप ऐसे तो माइनस नहीं कर सकते इसको आपको पहले आवर्स में कन्वर्ट करेंगे फिर आवर्स को आप मिनट में करेंगे मिनट्स को फिर आप सेकंड में करेंगे सो दिस बिकम्स एक दिन में 24 घंटे एक घंटे में कितनी मिनट होगी 60 और एक मिनट में सेकंड कितनी होगी 60 सो दिस बिकम्स 86,400 सेकेंड एक 24 घंटे में दिन और रात मिला दो तो इतनी सेकेंड हो जाती है अब ये लूज कितना हो रहा है 30 सेकेंड लूज हो रहा है सो दिस बिकम्स देखिए कितना हो गया 86,400 माइनस 30 सिंपली 86,370 सेकेंड अब आपके पास देखो दोनों वैल्यूज आ गई अब आप वी कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल अब ये समझ आना चाहिए देखो कुछ बच्चे बेटा 30 सेकेंड्स लिख रहे थे 30 सेकेंड्स बेटा कैसे हो जाएगा आप सोचिए कैसे इतना हो जाएगा डेल्टा टी और टी के बीच इतना डिफरेंस नहीं होता एक मार्जिनल डिफरेंस होता है यू शुड रिमेम्बर इट ऐसा नहीं है कि वो एक घंटे हो गया और ये एक सेकेंड हो गया इट कैन नॉट बी पॉसिबल ये कह रहा है यहां से क्वेश्चन समझेंगे सो इट लूज लूज मतलब कम हो रही है कितना 30 सेकेंड इन अ डे मतलब अगर कोई क्लॉक मूव कर रही है तो उसमें जो अगर स्टेशनरी फ्रेम से जो टाइम देखा जा रहा है वो टाइम कम हो रहा है कितना कम हो रहा है 30 सेकेंड कम हो रहा है और क्लॉक क्या मेजर कर रही है क्लॉक आपका प्रॉपर टाइम मेजर कर रही है प्रॉपर टाइम इज व्हाट प्रॉपर टाइम इज अ टाइम ऑब्जर्व फ्रॉम दी नॉन स्टेशनरी फ्रेम यानी एस डेस फ्रेम से तो ये एग्जैक्टली आपका डेल्टा टी यहां से हो जाएगा 86,400 इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा हो सकता है यहाँ जैसे इन अ डे है इन आवर हो सकता है तो आवर आप क्या करेंगे 60 into 60 3600 सेकेंड तो उसको माइनस कर लेंगे हो सकता है या कुछ ये सेकेंड की जगह मिनट हो तो मिनट को आप चेंज कर सकते हैं ध्यान रखिए क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ऐसे ही वेरी करेगी यहां से ये मिनट हो सकता है ये आवर्स की जगह आपका डे की जगह ये आवर हो सकता है मिनट हो सकता है ये आपका सेकेंड की जगह यहाँ कुछ मिनट्स हो सकते हैं 3 मिनट 4 मिनट 1 मिनट 2 मिनट है ना इतना ही डिफरेंस रहता है आप सोचो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस रहे तो इतना डिफरेंस नहीं रहेगा कि एक तो 86,400 सेकेंड है दूसरा आप 30 सेकेंड कह रहे हैं तो ये आंसर इट इज वेरी मतलब अनयूजुअल आंसर विच यू हैव मेंशन्ड इन द चैट बॉक्स दोज हु आर गिविंग दिस आंसर डोंट वरी अबाउट इट कोई दिक्कत नहीं है यू शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स ये प्रॉपर टाइम क्वेश्चन में पहले ही कह दिया प्रॉपर टाइम इज क्लॉक प्रॉपर टाइम मेजर कर रही है तो प्रॉपर टाइम आपका जब मेजर कर रही है तो ये उस वो एक दिन से ज्यादा तो मेजर करेगी नहीं 24 घंटे से ज्यादा वैल्यू तो जाएगी नहीं तो ये उसकी वैल्यू सिंपल ही आएगी उसमें से कम कितना हो रहा है अगर उसको मूव करती है और उसको आप विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम देखते हैं 30 सेकेंड उतना आपका माइनस कर दिया नाउ यू कैन कैलकुलेट वी सिंपली फॉर्मूला आपका है ही डेल्टा टी डैश इज इक्वल्स टू सॉरी डेल्टा डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू सॉरी डेल्टा टी डैश इक्वल टू डेल्टा टी ओवर
अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला वही सेपरेशन करेंगे जिस तरीके से पहले किया था मैं, क्योंकि इसकी वैल्यू पता है मुझे, इसकी वैल्यू पता है, इन दोनों की वैल्यू मुझे पता है, तो इन दोनों की वैल्यू पता है, ये मुझे फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूं, इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले आऊं, सिंपली इक्वेशन वही, अभी वैल्यू नहीं रख रहा, देखिए कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपलर, आप इधर ले जाएंगे तो दिस बिकम्स, ये हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी डैश इक्वल्स टू, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, लास्ट क्लास में सॉल्व किया था, ये होने टेकिंग द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, सो दिस बिकम्स डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी डैश होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू इस पर से स्क्वायर रूट हट जाएगा वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब क्या करिए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, सो दिस बिकम्स, देखिए ये इधर आ गया तो ये हो गया, देखो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा वन, ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, वन माइनस डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी डैश का होल स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हैं, सी स्क्वायर को भी इधर ले आएंगे, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर इंटू वन माइनस डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी डैश होल स्क्वायर। अब आप यहां से देख लीजिए, आपको फिर वी की वैल्यू चाहिए, तो सिंपली यहां आ जाइए, वी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में आएगा, तो सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो गया, सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इरफान देयर मे बी सम प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट फ्रॉम योर साइड, है ना, सो देयर इज नो इश्यू, आप थोड़ा सा उसको कहीं सही जगह बैठ के आप इंटरनेट को देखिए, माई वॉइस इज नॉट टू मच, मतलब इतना स्लो नहीं है कि आपको आवाज नहीं आएगी, है ना, देखिए वी की वैल्यू सिंपल आप निकालेंगे, स्क्वायर रूट तो इसी स्क्वायर का यहाँ सी हो जाएगा, बाकी की चीजें स्क्वायर रूट में आपकी रहेंगी, सो दिस बिकम्स वन माइनस डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी डैश का होल स्क्वायर। अब आप यहां से वैल्यू रख दीजिए, सी की वैल्यू आप जानते हैं, डेल्टा टी और डेल्टा टी डैश की वैल्यू आपको पता है, तो इसको जब सॉल्व करके आप आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 7.92 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर होना चाहिए। सिंपली द सॉल्यूशन इज सेम जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था उसी तरीके से, बाकी के मैं क्वेश्चन कुछ हैं जो टी और टी डैश निकालने वाले वो बेसिक क्वेश्चन है वो मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ, बट ये क्वेश्चन क्या है मोस्टली कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जहाँ आपको यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज प्रॉपर टाइम एंड व्हाट इज इम्प्रॉपर टाइम, मींस व्हाट इज डेल्टा टी डैश व्हाट इज डेल्टा टी, सो दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस हियर, अदरवाइज अदर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी, एक क्वेश्चन और लिखूंगा मैं और बिल्कुल इसी से मिलता जुलता होगा, देन यू विल सी के उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, देन आई विल आस्क अगेन अ क्वेश्चन टू यू, सेम वैल्यू मैं आपसे फिर पूछूंगा कि कैसे इन वैल्यूज को हम निकालते हैं। देखिए आई होप यू पीपल गॉट दिस क्वेश्चन और एंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑल्सो, देख क्वेश्चन देखिए, अ क्लॉक मेजर्स करेक्ट टाइम, मेजर्स करेक्ट टाइम एट व्हाट स्पीड should a clock move so it lost 4 minutes
इन अ डे? देखिए बिल्कुल इसी से मिलता जुलता सवाल है। अब मेरा अगेन आपसे क्वेश्चन है कि नाउ टेल मी व्हाट इज डेल्टा टी। मैं बस चीजें रफ कर रहा हूँ लास्ट की। देखो ये बस यहां से कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, यहाँ वैल्यू चेंज। बस मुझे इसके आंसर बता दीजिए ये क्या क्या है। व्हाट इज डेल्टा टी डेज कौन बता है? यही देखो बिल्कुल प्रॉब्लम। अभी मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ व्हाट इज इट, उसके बाद आप लोग अपने आंसर बताइएगा। एक क्लॉक है, पहले प्रॉपर टाइम मेजर कर रही थी, अब क्या वो मेजर कर रही है? इट मेजर्स करेक्ट टाइम। वो करेक्ट टाइम मेजर कर रही है। आई ऑलरेडी डिस्कस इन माई थ्योरी लेक्चर कि व्हाट इज करेक्ट टाइम। At what speed should a clock move? किस स्पीड से उसको मूव करना चाहिए कि it lose, ये लॉस हो जाए इसमें 4 मिनट का। कितने में? एक दिन में 4 मिनट का लॉस होता है। तो अब मुझे बता दीजिए इस डेल्टा टी डैश की वैल्यू क्या है, उसके बाद डेल्टा टी की। डेल्टा टी डैश इज कपिल इज राइट 1440 मिनट। ओके नेक्स्ट फटाफट बताइए 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 जल्दी करिए, डोंट वेस्ट द टाइम जल्दी। कपिल अक्षित, कपिल कुमार बैटिंग, ओके मुस्कान, ओके गुड गुड आंसर करिए। यस इरफान, व्हाई यू आर कन्वर्टिंग इन सेकंड, ओके डेट्स ओके नो प्रॉब्लम। ये पता नहीं क्या तुमने निकाल दिया इरफान। आकाश कन्हैया, ओके राइट इट बेटा जल्दी लिखिए। खुशी डेल्टा टी डेस बता दीजिए, डेल्टा टी तो निकल आएगा जब डेल्टा टी डेस पता होगा तो। मनीष गौर डेल्टा टी डेस देवांश, ओके लिखिए बेटा, अभी भी बहुत बच्चे रह गए लिखने के लिए, आंसर करिए। आस्था, ओके आस्था ऐसे लिखिए जल्दी लिखिए। राहुल प्रिंसी, यस श्रुति, ऋषभ, अक्षित का तो आ गया, आंसर करिए बेटा जल्दी। आयुष यस यस बेटा आपका आंसर नहीं आया, जस्ट आंसर ये सब सेकंड, आपका भी आंसर नहीं आया। सर मैंने तो सबसे पहले लिखा है, लिख दिया है, ओके चलिए सर मैंने भी दूसरी बार लिखा था, आंसर सही किया है। देखिए अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ हाउ। देखिए क्लियर करेक्ट टाइम इज वॉट, करेक्ट टाइम का मतलब ये हो गया कि कोई क्लॉक है जो क्लॉक करेक्ट टाइम, मैंने आपको बताया था कि जो डेल्टा टी है उसके कई नाम हो सकते हैं, रेस्ट टाइम हो सकता है, करेक्ट टाइम हो सकता है, इम्प्रॉपर टाइम हो सकता है। तो पहली लाइन से ही आपको समझ आया है कि ये जो वैल्यू है ये क्लॉक जो मेजर कर रही है ये करेक्ट टाइम मेजर कर रही है। तो ये वैल्यू डेल्टा टी डैश की गिविन नहीं है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था डेल्टा टी डैश की वैल्यू गिविन थी बिकॉज क्लॉक क्या मेजर कर रही थी, प्रॉपर टाइम मेजर कर रही थी, इसीलिए वह डेल्टा टी डैश की वैल्यू गिविन थी। बट यहाँ क्या है आपको डेल्टा टी की वैल्यू गिविन है क्योंकि क्लॉक आपकी क्या मेजर कर रही है, करेक्ट टाइम मेजर कर रही है। सो दिस विल बी वन डे, इसको आप कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, आवर्स को मिनट में, क्योंकि मिनट ही माइनस करना है आपको, 4 मिनट यूज हुआ है तो 24 × 6 = 1440 ये हो गया आपका मिनट्स। अब आप जानते हैं देखिए डेल्टा टी की वैल्यू जो है डेल्टा टी डेज से हमेशा छोटी रहती है, तो ये 4 मिनट लूज कम रहेगा, डेफिनेटली यही कम रहेगा, तो ये जो वैल्यू होगी डेल्टा टी डेज की, तो दिस बिकम्स 4 × 1440 + 4 मिनट यानी 1444।
मिनट्स। ये आपकी वैल्यूज हो जाएंगे डेल्टा टी डैश की और डेल्टा टी की। क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज गिविंग टू यू, और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब बुक में क्या है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया है, मैं आप कंफ्यूज मत होइए, जिस तरीके से मैंने बताया इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, आंसर दोनों से अलग आएंगे, डोंट कंफ्यूज विद दैट। उन्होंने ये क्या किया है, जो ये टर्म लास्ट में बचता है, इन्होंने ये अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, देख लीजिए मैं मैथमेटिक्स की स्टूडेंट है तो मैं बता देता, वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को उन्होंने पावर हाफ लिख लिया है, उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया है एक्सपेंशन से, तो एक्सपेंशन कर लिया तो वन प्लस हाफ बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ले लिया है, प्लस आगे के टर्म्स को क्या नेग्लेक्ट कर दिया, तो इस वाले टर्म को उन्होंने यूज कर लिया है आगे की कंडीशन के लिए, तो इससे कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही सॉल्व करिए। उन्होंने वो कंडीशन लगा दी है कि आगे की पावर जो है काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि वन प्लस एन एक्स प्लस एक्स एन एक्स स्क्वायर प्लस इस तरीके से पावर बढ़ती चली जाती है, तो आगे के टर्म्स छोटे होंगे, तो दैट्स व्हाई दे नेग्लेक्टेड। आप इसको ऐसे ही सॉल्व करिए, फाइनली अब यहाँ देखो डेल्टा टी और डेल्टा टी डैश की वैल्यू डालेंगे, सो द आंसर बिकम्स 1.79 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ गया। देखिए पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ऊपर आपके डेल्टा टी और डेल्टा टी डैश की वैल्यू में चेंज आ गया। इससे पहले भी जो प्रॉब्लम करी थी उसमें भी मैंने यही पैटर्न फॉलो किया था वेलोसिटी निकालने के लिए, तो पैटर्न वही है, बस आपको यहां ध्यान देना है लास्ट क्वेश्चन में प्रॉपर टाइम गिवन था, यानी डेल्टा टी डैश इज गिवन टू यू, सो यू कैन कैलकुलेट डेल्टा टी विल बी लेसर देन द डेल्टा टी डैश, सो माइनस कर दीजिए। अब यहां आपको क्या है, करेक्ट टाइम मींस इज दैट कि आपको डेल्टा टी इज गिवन, तो डेल्टा टी डैश जब डेल्टा टी से बड़ा होगा तो दे विल बी एडेड, तो ये एड हो जाएंगे। बच्चों को ये नहीं समझ आता कि एड क्यों हो रहे हैं माइनस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज गिवन है, तो यही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है बट ये थोड़े से कंफ्यूजिंग इसीलिए है, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं इस वजह से इसको माइनस कर देते हैं एंड आंसर गलत हो जाता है। पूरा क्वेश्चन यहीं से ही बिगनिंग में अगर आपने यहाँ माइनस कर दिया इस क्वेश्चन में, तो ये पूरा क्वेश्चन जीरो नंबर मिलेंगे इस पर, सिर्फ फॉर्मूले के अगर एक आध दो नंबर मिल जाए तो मिल जाए, पांच नंबर में जीरो, क्योंकि आपने सर सेकंड केस लगा दे, कौन सा सेकंड केस जो है सर, v कंपेरेबल टू c करके, तो डेल्टा टी डैश वैसे ही बड़ा आ जाएगा सर डेल्टा टी से। हां तो डेफिनेटली वो बड़ा तो हो गई, वो तो वही सर, इसीलिए तो मैंने वही लगा के सर कराया सर इसको। टाइम डायलेशन उस ही केस में पॉसिबल होता है, टाइम डायलेशन वही केस में पॉसिबल होता है, मैंने तीन केस कराए, पहले केस में जब v इज मच मच लेस देन c टाइम डायलेशन नहीं था, डेल्टा टी डैश टी के बराबर, डेल्टा टी के बराबर, सेकंड केस में v इज कंपेरेबल टू c तब आया था डेल्टा टी डैश, कि इसकी ऑर्डर देखिए 10⁶ आ रहा है और ये 10⁸ होता है, तो इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। अब आप कह रहे हैं कि 30 मीटर पर सेकंड को मैं कंपेयर कर दूं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ये भाई 10⁸ है, यहां आप 10⁹ लेके कंपेयर कर रहे हो, तो नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो सर सेकंड केस से कर सकते हैं ना सर, मैंने उसी से प्लस करा था, इसलिए मैंने सर डेल्टा टी डैश में मतलब 144 से सेकंड केस व्हाई यू आर सेइंग सेक, आई ऑलरेडी मतलब सर यू द टाइम डायलेशन इज पॉसिबल ओनली इन द सेकंड केस, और किसी केस में टाइम डायलेशन पॉसिबल ही नहीं है, आप कर सकते ओके सर, यू हैव टू डू दैट विद दैट केस, आप उसी से करेंगे ओके सर, ओके सर, टाइम डायलेशन ही पॉसिबल उसी केस में है जिस केस में आपका v is comparable to c है, आप वैल्यू बहुत न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे तो उसमें यू विल फाइंड द वैल्यू लगभग ये c के ऑर्डर की ही वैल्यू, कहीं 0.8c कहीं 0.7c 0.6c इस तरीके से वैल्यू आपको मिलेगी ओके सर, ठीक है, तो ये आपका टाइम डायलेशन इज फिनिश्ड फ्रॉम माय साइड, और आप उसको कंप्लीट कर लीजिए एंड आई विल गिव यू सम असाइनमेंट ऑल्सो जिसमें क्या आप इसको न्यूमेरिकल्स को